इधर मसूरी नगर पालिका में सफाई व्यवस्था का कार्य देख रही कीन संस्था ने सफाई कर्मचारियों को तुगलकी फरमान सुना दिया है। दरअसल सफाई कर्मचारियों ने वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर 1 सितंबर को नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया था। इससे कंपनी प्रबंधन नाराज हो गया। कीन संस्था ने प्रदर्शनकारी महिला कर्मचारियों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। कीन संस्था ने स्टैम्प पेपर में दोबारा से प्रदर्शन न करने का लिखित में आश्वासन देने का आदेश जारी किया। इसके विरोध में मसूरी वाल्मीकि समाज उत्थान सभा और उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ उतर आया है। संघ के पदाधिकारियों ने सस्पेंड कर्मचारियों के साथ कीन संस्था के कार्यालय पहुंचकर इसका जमकर विरोध किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास पिछला जियो था, क्योंकि शुरू के जियो में जो थे ये 4000 के स्केल पे थे, उसके बाद हमारे को पास जो दूसरा जियो आया था उस पर फिर हमने 3-4 महीने लड़के उस को जो है मतलब नगर पालिका को जो पूरा अध्यक्ष है लड़के नहीं मतलब उनको जो है अच्छा। लिखित रूप में दिया गया कि आपके हमारे संज्ञान में ये आया है निम्न सूत्रों से, तो उसके बाद जो है हमने वो दिया तो उस पर उन्होंने कार्रवाई की और उसको जो है 4000 से 8000 रुपये की सैलरी की। उसी तरह से हम लोग इसको भी हमारे संज्ञान में आया हुआ है तो हम इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को लिखित रूप में देंगे। लेकिन इस तरह की कोई हड़ताल हुई है तो हड़ताल का समाधान या हड़ताल करना अपने हक का लड़ाई लड़ने का अधिकार हमारा है। अगर उसमें कोई गलतियां हुई है तो उसमें कीन संस्था को बैठ करके इनके साथ कोई भी वार्ता करनी चाहिए थी, कोई भी समझौता करना चाहिए था। लेकिन इस तरह का जो नोटिस है ये तो नोटिस एक तरह से ऐसा डिक्टेटरशिप वाला नोटिस इन्होंने भेज दिया जो कि कहीं भी व्यवहारिक नहीं है। इनके साथ जो हुआ है इन्होंने अपना हक मांगा है और हक के लिए इन्हें कोई पनिशमेंट या कोई नोटिस दिया जाए तो वो गलत है। आगे मैं उनसे ये अपील करूँगा, इस कीन संस्था से भी बोलूँगा कि तत्काल इनका वो नोटिस वापस लिया जाए और इन्हें कल ड्यूटी पर लिया जाए और इसके लिए सारे कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहेंगे और मेरी इनसे अनुरोध है कि ये ऐसा काम ना करें। अप्रैल माह में शासनादेश हो चुका था 500 रुपये बढ़ोतरी का और आज तक नहीं मिला, तो ये आश्चर्य की बात है। उसी समय से मिलना शुरू होना चाहिए था और हमने तो ये कहा कि भाई जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाता तो तुरंत इनका भुगतान कीजिए। जो इनका हरियर रुका भी है उसका भुगतान होना चाहिए। बाकी अपनी मांगों को अपने अधिकारों के लड़ना सबका अधिकार है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पिछला जियो था तो नगर पालिका में सफाई व्यवस्था का कार्य देख रही कीन संस्था ने सफाई कर्मचारियों को तुगलकी फरमान सुनाया, जिसके बाद सफाई कर्मचारी लामबंद हुए और कर्मचारी संघ के साथ विरोध भी दर्ज कराया है मसूरी वाल्मीकि समाज उत्थान सभा और उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ ने। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, सफाई कर्मचारियों को कीन संस्था ने जो तुगलकी फरमान सुनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टैम्प पेपर पे दोबारा प्रदर्शन ना करने का लिखित में आश्वासन देने का जो आदेश उनको दिया गया है, उसके बाद जो विरोध अब शुरू हो गया है, जाहिर सी बात है किसी भी संस्था को इस तरह से आप स्टैम्प पेपर से लिखवाने की बात कर रहे हैं, स्टैम्प पेपर पर कुछ कर्मचारियों से कुछ भी ना वो प्रदर्शन कर सकते हैं ना किसी बात का विरोध कर सकते हैं, लीक कर देने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसको लेकर जो विरोध दर्ज किया जा रहा है उस पर बाकी लोगों का क्या कहना है और आगे इस विरोध का इस विरोध में क्या करने वाले हैं कर्मचारी, उनका क्या कुछ कहना है? जी पारो, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, ये जो है एक तानाशाही का रूप लेते चली जा रही है। स्थिति इसमें क्या है कि देखिए ये उनका एक अधिकार भी है अपना मानदेय बढ़ाने का, जितने भी देखिए सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको वर्ष में दो बार उनको वेतन मिलती मिलती है, इसी में उसका होता है, तो वो कोई गलत उनकी मांग नहीं है। और एक बार उन्होंने ये अपनी मांग करी थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, तो उसके बाद उन्होंने मांग बढ़ाने की अपेक्षा ना उनको सुना गया ना किसी तरह गया, उसके अलावा उनको सीधे जो है एक तरह से बर्खास्त कर दिया गया है तीन संस्था द्वारा जो कि अनैतिक है। उसके ऊपर जो स्टाम्प पर लिखित में उनसे लिया गया है कि अब आने वाले समय भविष्य में आप किसी तरह का विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, तो ये एक जो है लोकतंत्र की एक हत्या के समान है। इसी विषय में ये इनका की ये कहना है। बिल्कुल, आप देखना होगा कि सफाई कर्मचारियों का जो ये विरोध है इसमें जो संस्था है उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। कीन संस्था के प्रबंधन की तरफ से कुछ इस पर सफाई आई है, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में? नहीं, उनका कहना यही है कि हमने तो इनको पहले ही इसी शर्त पर रखा हुआ था, ये हमारा अनुबंध क्या हुआ था और हमारा उसमें ये अनुबंध सारा पूरा था, हम कभी इनको हटा सकते नोटिस देने के बाद। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास अनिल।